अस्सलाम वालेकुम। कुछ स्टूडेंट्स को ना ये साइन अप होने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये इतना कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है। तो सिंपल ही आपने जो है ये बेल आइकन के साथ जो है ना, ये यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोफाइल का जो है वो नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करनी है। और आपके साथ आपके पास जो है ना वेलकम वाली एक स्क्रीन ओपन होगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फ़ौरन इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी जो अपडेटेड वीडियो है वह फ़ौरन जो है वो इसको आप देख सकें। तो ये आपके सामने जो है वेलकम का जो प्रोफाइल एक फाइल पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे आपने ईमेल एंटर करनी है जिस ईमेल पे आपने रजिस्टर होना है। तो मैं यहाँ पर अपनी ईमेल एंटर करता हूँ। आपने यहाँ पर अपनी ईमेल एंटर करनी है जिस ईमेल पर आपने रजिस्टर्ड होना है। आपके पास ये रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। ये आपसे आपका नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया है। यहाँ पे वो फैमिली नेम पूछ रहा है, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। और यहाँ पे अब ये पूछ रहा है पासवर्ड आपने कौन सा लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का आप जो है वो पासवर्ड लिख लें। ये मैंने अपनी मर्ज़ी का जो पासवर्ड जो है वो लिख लिया। आप अपना जो पासवर्ड रखना चाहते हैं वो आप उसको रख सकते हैं। अब ये आपसे पूछ रहा है स्टे साइंड इन नॉट रिकमेंडेड फॉर शेयर्ड डिवाइसेस, यानी अगर आप यहाँ पर अगर ये आपका पर्सनल डिवाइस है, लैपटॉप है या कंप्यूटर है, तो आप इस पर हमेशा जो है वो हर वक्त साइन इन आपको बार बार जो है वो साइन इन नहीं होना पड़ेगा। आप अगर आप इसको स्टे कर देते हैं स्टे साइन इन, ठीक है, तो ये स्टे ही रहेगा, यानी ये साइन इन रहेगा। आप जैसे ही वो एलिसवर की वेबसाइट ओपन करेंगे, रिसर्च अकेडमी पे जाएंगे, तो ये प्रोफाइल आपका ओपन होगा। यहाँ से आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखें अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ तो आपने ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करना है और आपने साइन अप पे चला जाना है। तो हमने यहाँ से रजिस्टर के ऊपर क्लिक करनी है। तो रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद हम अगले स्टेप पे चले जाएंगे। हाँ, ये देखें वो कह रहा है जी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, यानी हमारा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने रिसर्च एकेडमी के पे जाना है, कंटिन्यू टू रिसर्च एकेडमी। रिसर्च एकेडमी के बाद ये हमसे जो है वो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मज़ीद पूछ रहा है कि हमारी कंट्री कौन सी है। मसलन हमारा रीजन कौन सा है, कंट्री कौन सी है, तो हम यहाँ पे पाकिस्तान से, इसलिए यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे ये पूछ रहा है हाइयर स्टडी लेवल, ठीक है, ये हमारा जो आ गया PhD है। उसके बाद स्पेसिफाई यानी कि आप स्कॉलर हैं, ठीक है, PhD स्कॉलर हैं, MPhil स्कॉलर हैं। अब यहाँ पे कुछ भी स्कॉलर लिख सकते हैं, स्कॉलर, ठीक है। ईयर ऑफ कंप्लीशन कंटिन्यू है तो इसको छोड़ दें। फील्ड ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हमारा बायोलॉजी है, तो हम यहाँ से बायो से रिलेटेड ही बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लिख देते हैं। उसके बाद स्पेसिफाई इसको मज़ीद आपने स्पेसिफाई करना है फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को, तो आप अगर करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज इसको आप छोड़ दें। यहाँ पे भी क्लिक कर लें। आई एम इंटरेस्टेड टू हियरिंग अबाउट द प्रोडक्ट सर्विस प्रमोशन एंड इवेंट्स ऑफ द एलिसफेयर, ये भी अगर आप क्लिक करना चाहते हैं तो ठीक है, आपको इसकी जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह होंगी, पब्लिकेशंस का प्रोसेस होगा, वो आपको ईमेल्स आ जाया करेगा। तो इसको सेव कर लें। नेट शायद जो है वो चला गया है किया, तो हमारे पास जो है वो मेन पेज ओपन हो जाएगा दोबारा। और यहाँ से अब हम जो है वो अपना कुछ पर्सनल डाटा वो एंटर करेंगे
तो इसमें हमारे कंट्रीज़ का नाम पूछ रहे हैं, कुछ और कंडीशन है तो कंट्रीज़ हमारे पाकिस्तान है, इसके अलावा जो अफिलेशंस वगैरह हैं पोस्ट आर्स कंडीशंस हैं वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फिर हमने इसको सेव अकाउंट, अकाउंट को सेव करना है और हमारा जो है वो मेन पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। ये यहाँ पर आप कोई भी चीज़ जो है वो कोई भी टॉपिक सर्च कर सकते हैं और इसका प्रॉपर आपको फिर जो है वो सर्टिफिकेट इशू होगा। थैंक्स एंड अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको फौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। थैंक यू।